Thank you. जैसा कि हमने रणवीर आपसे कहा था कि जब इतने प्यारे ढंगे थे और जब वो आए तो अपने आप ही लोग अपने आप को लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप इंदौर से क्या लुटने के लिए आए हैं? सबसे पहले गुड इवनिंग, वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू ऑल यू गाइस फॉर कमिंग। मेरी एक कुछ चैनल है करना पड़ा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा मौका मिला टू बी पार्ट ऑफ दिस। इंदौर वालों की ओर से शादी की शुभकामनाएं रणवीर, बहुत 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 बधाई हो। सामने बहुत डाकुओं के रोल करे हैं, पहली बार आप भी डाकू बन रहे हो, कैसा लग रहा है आपको, इसके लिए क्या तैयारी की? भाई साहब मैं डाकू नहीं, दरोगा जी डाकू नहीं बने यार, डाकू शमशेरा है। When I told you there was no other actor in this world who could do it but Ranveer. And I think it's one of his best performances. Not because he's playing me, but it's because of potential of performance and as an actor. I mean, he can do any roles, you know. And whether it is Sanju and or now Shamshera, which is totally different. और यहाँ यार मेरा बच्चा इतना भाई है छोटा सा, तो अभी इसको मारते वक्त मुझे बुरा लगता था बहुत, तो इसको जितना चाबुक मैंने मारा उतना मैंने पप्पी दी दी। रणवीर आपने कहा, रणवीर इस तरफ मैं एक सेकंड का क्वेश्चन करूँ कर लेता हूँ। मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि आपने बहुत कुछ इतनी बार कहा है इसके बारे में, वो मुझे अपने फैमिली में बुलाते थे, मुझे घर पर बुलाते थे, जब और बड़ा हुआ फिर मुझे मौका मिला कि मैं उनकी बायोपिक में काम करूँ और फिर आज मैं उनके साथ एक हीरो विलेन वाली पिक्चर कर रहा हूँ, जब वो विलेन का रोल निभा रहे हैं हीरो का रोल निभा रहा हूँ, तो एक्चुअली इट्स जस्ट लाइक अ चाइल्ड एंड ऑल हिज ड्रीम्स कम ट्रू, यू नो, ऑफ हिज आइडल, टू वर्क विद हिज आइडल। एंड अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मर दैट ही इज, हम सब जानते कि हिज ऑरा, हिज पर्सनैलिटी, जो किस किस्म के एक्टर है, ही इज ट्रूली अ लेजेंड, यू नो, एंड ही इज नॉट, ही इज गोइंग टू गो, ही हैज सो मेनी इयर्स, आई थिंक चार और बायोपिक बन सकती है फिर आगे। अच्छी बात है कि मैं एक्टर बनूंगा तो थोड़े और हेडफोन आ जाएंगे, बट मैं क्या बोल रहा था एक सेकेंड, हाँ, तो वर्किंग विद संजू सर इज लाइक, वो मैंने कभी अपने लाइफ में, और मैं एक फिल्म फैमिली से हूँ तो मेरे फैमिली में बहुत सारे एक्टर्स हैं, तो मैंने बहुत देखा है, जब संजू सर सेट पे होते हैं, जो 200 लोग सेट पे होते हैं वो सब नीचे आके इनके साथ बैठना चाहते हैं, चैटिंग करना चाहते हैं, सिर्फ पूछना चाहते हैं बाबा कैसे हो, बाबा कैसे हो, ऐसा प्यार मैंने कभी किसी के लिए नहीं देखा है। और ये प्यार का कारण ये है कि इनका दिल इतना अच्छा है, इनका दिल इतना साफ है, वो खुद इतना प्यार देते हैं लोगों को, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग रियली। रणवीर इस तरफ सामने आपने कहा कि आप रोमांटिक रोल से बोर हो चुके हैं, बोर नहीं हो चुका, अभी थोड़ा ब्रेक लिया है, क्या ये कहानी की डिमांड है कि अगर हम साउथ का सिनेमा देखें, वहां की पिक्चर यहां पे आती है, डब होती है और बहुत कमाल की, और आपने भी एक बड़े ग्रैंड लेवल पे एक नया एक्शन सिनेमा रचा है, तो क्या हिंदी सिनेमा में ब्लॉकबस्टर तभी मिलेगी जब हम ग्रैंड लेवल बनाएंगे? देखिए ऑडियंस की जो चॉइस है, ऑडियंस का जो एक चीज़ होती है जो उनको थिएटर तक ड्रॉ करती है, वो एक आपको देना पड़ेगा। आपको इससे आप कोई भी फिल्म बताओ, आपकी जो कहानी है, आपकी जो एक्टर्स है, आपका जो लैंडस्केप है, दुनिया है,
So you have to entice the audience. And I think Shamshera fits into that bracket. It's an entertainment. अगर हम देशों से दुनिया में इतना शोर मचा कि हमारी भी नहीं मचाएगी, बट उसके लिए हमें अच्छी कहानी, अपना जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, अपनी जो संस्कार है, उस पर फिल्म बना के फिर हम दुनिया में मशहूर हो। So I think that's the idea. आप अच्छी कहानी बनाओ और फिल्म कैन गो बियॉन्ड लैंग्वेज एंड बाउंड्रीज। आपने खुद को संभाला है, बिखर बिखर के आपने जुटाया है फिर से खुद को। मैं आपसे एक बात ये जानना चाहती हूँ, एक तो मासूम शख्स जो बार बार का रोता है वो इतने खूंखार विलन से रोल कैसे करता है? क्योंकि आप जैसे एक्टर्स बोलते हैं कि एक्टिंग इज बिहेविंग, तो एक तो ये और दूसरा ये कि ये पूरी जो यात्रा है इसमें जितने भी कश्मों का आपने जिंदगी में देखते हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए मैं भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जय माता श्री बाबा श्री अंकल। तो आई थिंक मेरे माता पिता का आशीर्वाद और भोले बाबा का हाथ मेरे सर पे हमेशा रहा है कि जो भी तकलीफ है मैं उसमें से गुजर के फिर और कांचा तो सबसे मासूम है लेकिन एक मजा आता है। आई थिंक एक एक्टर की एक वही क्वालिटी होती है कि वो किरदार वैसे हम पोर्ट रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सोच कर नहीं आते हो कि आज मैं ये सीखूंगी सच्ची, आज मैं वो सीखूंगी किसी से। एक सबलिमिनल आपकी एक ऑब्जर्वेशन होती है, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनको सबकॉन्शियसली सबलिमिनल लेवल्स पे काफी कुछ उनसे लेते हैं सीखते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए वो लर्निंग सबसे बड़ी थी एंड आई थिंक मैं बहुत कुछ सीखूँ कि मुझे सबसे बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है। उससे आई थिंक दोनों बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे वो सेम प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिले एंड आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज आई फील यू कैन ओनली बी क्या कहेंगे आप दोनों? पानी जी एक्शन मूवी और अ रोमांटिक मूवी व्हाट यू प्रेफर? आई प्रेफर बोथ सर। आई वांट टू एक्सप्लोर बोथ जॉनर्स इन फैक्ट ऑल जॉनर्स। मैंने बहुत कम फिल्में करी हैं और मैं चाहूंगी कि मैं जितनी भी आगे फिल्में करूं मुझे हर तरह की फिल्में। तो आई थिंक मैंने माता पिता का आशीर्वाद और भोले बाबा का हाथ मेरे सर पे हमेशा रहा है कि जो भी तकलीफ है मैं उसमें से गुजर के फिर आगे आ जाऊँ। और मासूमियत की बात यह है कि मैं मासूम हूँ और अधीरा भी मासूम है और कांचा तो सबसे मासूम है लेकिन एक मजा आता है। आई थिंक एक एक्टर की एक वही क्वालिटी होती है कि वो किरदार वैसे पोर्ट रहे। इंटरेक्शन नहीं होती और ऐसी प्रमोशनल मार्केटिंग जब हम करते तो ज़्यादातर हम यहाँ मिलते हैं। सो आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू यू नो मीट देम टू टेक अ सेल्फी विद देम टू इंटरेक्ट विद देम एंड इंदौर हैज़ ऑलवेज बीन लवली। आज कम फॉर कपल ऑफ फिल्म्स भी प्रमोशन के आए हैं तो बहुत हमें प्यार मिला है यहाँ से, बहुत सपोर्ट मिलता है हिंदी सिनेमा को एंड ये सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे ही प्यार इंदौर वाले सभी देने वाले आपको। आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जनता आपको जब ये दो रोल में नहीं एक नहीं दो रोल में देखने वाली है तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? पर बहुत ही इंटरेस्टिंग था एज एन एक्टर मेरे लिए कि मुझे एक ऐसी फिल्म में ऐसी बड़ी एक्शन स्पेक्टेकल में एक नहीं दो किरदार प्ले करने का मौका मिला और बहुत ही मुश्किल फिल्म थी फिजिकली। ये जैसे मैं कहता हूँ ये इस टाइप की फिल्म मल्टी जॉनर होती है तो आपको सब चीज़ करना होता है, लोगों को हंसाना होता है, रुलाना होता है, एक्शन करना होता है, रोमांस करना होता है। बट आई थिंक जो हमारी टीम थी, जो हमारे एक्टर्स हैं, जो हमारे निर्देशक है करण, उसके